हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज एंड हम आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसमें बोहर मॉडल वगैरह अच्छे से सीखेंगे आज। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि एडवांस लेवल के अंदर क्या कुछ आता है पेपर में, कैसे आता है पेपर। तो एडवांस लेवल के अंदर आप लोगों को थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपसे पूछा तो आप लोगों में से किसी को पता नहीं कि एडवांस में होता क्या। तो एडवांस के अंदर, एडवांस आईआईटी एडवांस के अंदर क्या होता है भाई, ठीक है। तो आईआईटी एडवांस के अंदर ईच, देखो दो पेपर होते हैं, सबसे पहली बात, दो पेपर्स होंगे और ईच ईच पेपर जो है, हर एक पेपर जो है वो 3 आवर का होने वाला है। समझ में आया बेटा? इसका मतलब के दो पेपर एक ही दिन में होंगे, एक ही दिन में, और हर एक पेपर 3 घंटे का, तो यानी एक दिन में आपको 6 घंटे लगाने होंगे। तो क्या बीच में गैप मिलता है? बीच में 1-2 घंटे का गैप होता है, ठीक है। एक सुबह शिफ्ट होगी, एक शाम को, दोनों शिफ्ट में आपको एक एग्जाम देना होता है। अटेंडेंस रह गई संतोषी, एक मिनट बेटा आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, वेट ए मोमेंट, ठीक है। संतोषी हमारे ग्रुप में तो नहीं है, मैंने नाम नहीं पढ़ा भाई, नहीं है, चलो नाम लिख देते हैं आपका, ठीक है सर। कृष्णा है, कृष्णा आईडी दूसरी, आज इमरजेंसी में कहीं आया हूँ ना। क्या क्या कह रहे हो? कृष्णा कृष्णा नेम है मेरा, वो आज कहीं अच्छा, आना पड़ेगा ना मेरे को। ओके, ठीक है, समझ गया, ठीक है। कृष्णा, मैं वरना ये आपका नाम अलग से ऐड कर रहा था, KRIS, ठीक है, कृष्णा कुमार। ओके बेटा, अटेंडेंस हो गई आपको, ठीक है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, दो पेपर होते हैं 3-3 घंटे के, ईच पेपर 3 घंटे का है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, हर एक पेपर 3 घंटे का, तो क्वेश्चन कितने होते हैं भाई, ठीक है। एक पेपर में वन पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन वो होते हैं 54। ईच सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं 18 क्वेश्चंस। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया है सबको? हर एक सब्जेक्ट के 18 क्वेश्चन होंगे, तीन सब्जेक्ट हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, टोटल 54 क्वेश्चन होने वाले हैं एक पेपर में। सेकंड पेपर में भी सेम है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, और क्वेश्चंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, सेकंड पेपर एकदम सेम होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप 36 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के एक ही पेपर में 6 घंटे लगातार बैठो, तो वो बीच में गैप है, इसलिए दो पेपर बना दिए गए, डुप्लीकेट होता है, ठीक है। वन पेपर या ईच पेपर कह लो, ठीक है, हर एक पेपर के अंदर ईच पेपर, ठीक है। तो हर एक पेपर के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन 54 मिलेंगे, मतलब दो पेपर होने वाले हैं, दोनों पेपर्स में 54 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के भी 18 मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी 18 मिलेंगे। आपको करने कितने हैं? अगर आपका 40%, ठीक है, अब क्वालिफाइंग देख लो, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस कितने हैं? 40% वाला अगर कोई बच्चा 40% गेन कर लेता है, 40%, तो समझ लेना उसका आईआईटी एडवांस हो गया। हाँ रचना बेटा बोलो। सर दोनों पेपर अलग अलग डेट से होते हैं या फिर साथ में होते हैं? सेम डेट, दिन एक ही होगा, लेकिन शिफ्ट अलग अलग होगी, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, इस तरह से 2-3 घंटे का बीच में एक गैप देंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो दोनों पेपरों का टोटल मिला के क्वालिफाइंग होगा, उनको एक ही पेपर समझिएगा दोनों को, ठीक है। 40% आपको गेन करने हैं, 40% कितना होता भी? 18 का 40% अगर निकाला जाए तो जरा सोचो, 0.4 × 18, है ना, 7.2। क्या कह रहे हो बेटा? एक सब्जेक्ट का 40% होना चाहिए क्वालिफाइंग। नहीं, टोटल तीनों का 40%, एक में कम है दूसरे में ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों का 40% होना चाहिए, क्लियर है?
टोटल 40% गेन करने, मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका मैथ भी आप 40% कर लेंगे, केमिस्ट्री 40% कर लेंगे और फिजिक्स भी 40% कर लेंगे, तो 7.2 क्वेश्चन बनते हैं। तो 7.2 की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि आप 7.2 की बजाय आपको ना 10 क्वेश्चंस करने हैं, 10 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट। तो देखो 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट में से 10 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? अब जरा ये चीज देखो, 10 क्वेश्चन कितना परसेंट बनेगा? 10/18, ठीक है, ये बनता है लगभग 55%, 55%। सोचो जरा, यानी आपको लगभग 10 क्वेश्चन का मतलब है 55%, यानी ये बन जाएगा 55%। अगर आप 18 में से 10 क्वेश्चन भी कर पाए तो आप, मतलब यूं समझ लो, पहले 5000 रैंक में से आपका रैंक आ गया, पहले 5000 रैंक में से 18 में से 10 क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात सबको? केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो केमिस्ट्री, हाँ अंशिका बेटा बोलो। सर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? यस, नेगेटिव तो होती है, बिल्कुल होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर डेफिनेटली। जो क्वेश्चन आता है उसी को अटेम्प्ट कीजिए, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो नेगेटिव मार्किंग, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? यस बेटा, सबको ये बात क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए जरा, मतलब 55% आपको मार्क्स लेने हैं इन ओवरऑल 10 क्वेश्चन। 10 ना करें, 9 भी कर लें एक सब्जेक्ट से, मतलब 50%, 9 का मतलब 50% है, तो हर एक क्वेश्चन जो है 5% है समझ लीजिए। तो 9 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा? 1/4 होती है, 25%, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जाएगा, इस तरह से होता अगर गलत कर दिया तो। ठीक है, वो उसका टेंशन, मतलब हमें सिर्फ करना ही वो है जो हमें आता हो, तुक्का लगाना ही नहीं है। अगर आप तुक्का लगाने के हिसाब से सोच रहे हो तो तुक्का उस क्वेश्चन में लगाइए जिसमें आपको 2 में से 1 में डाउट हो। 2 तो पक्का पता हो कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, यू आर डैम श्योर अबाउट द 2 क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, और बाकी के 2 क्वेश्चंस जो है उनमें 1 में डाउट हो, 2 में से 1 में अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप उसको तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2-4 ही होने चाहिए पूरे पेपर में, यू ना हो कि आप पूरा पेपर ही भरा है 50-50 के नंबर के चक्कर में, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, वो सारे क्वेश्चन सही नहीं होते हैं कभी भी, ये आपको भी पता है, तुक्का कभी कभी लगता है ना। तो देखो जरा, आपको सिर्फ इतना ही गेन करना है, सिर्फ इतना ही। अब मैं एक बात बोलता हूँ कि 10 क्वेश्चन आप ए पार्ट, मतलब पहले पेपर में कर लो, 10 क्वेश्चन दूसरे पेपर में कर लो, तो केमिस्ट्री के तो 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको टोटल एडवांस लेवल में, और सेम 20 क्वेश्चन आप फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ के अगर अटेम्प्ट कर देते हो, राइट अटेम्प्ट कर देते हो, तो डेफिनेटली आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम पिछले 10 सालों के एक एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो मेरी बात, एक एक क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट अगर समझ लें तो और उसको याद कर लें तो, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, 10th तो आप लोग पास कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, पिछले 5 सालों के पेपर अगर हम याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो किसी भी एग्जाम के अंदर 70% प्लस नंबर लिए जा सकते हैं। ये पता है सबको, 5 सालों के पिछले पेपर है ना। लेकिन ये IIT है भाई, ये कुछ अलग होगा, ठीक है, हम मान सकते हैं बिल्कुल अलग होगा। तो हम अगर पिछले 5 सालों की बजाय 10 सालों के IIT के पेपर एडवांस लेवल के विद कॉन्सेप्ट अगर पूरे कर लें तो, तब तो IIT अपने हाथ में है ना। एडवांस मेन की तैयारी की बात ही नहीं करते हम, पता है क्यों? क्योंकि मेन तो अंदर आ जाएगा, उसी के अंदर है, मेंस में टॉपिक कम है, एडवांस में टॉपिक ज्यादा है, तो अगर हमने मेंस कर नहीं किया, एडवांस कर लिया, तो सीधा टॉपिक वो कम वाले टॉपिक तो अंदर ही आ गए खुद ही, तो डेफिनेटली हम आसानी से IIT क्रैक कर सकते हैं। ये है असली, जिसको बोलते हैं ना असली चीज, मेंस को तो भूल जाओ, मेंस में तो क्वालिफाइंग मार्क्स लेने सिर्फ, ठीक है, उसके बाद असली पेपर होता है एडवांस, एडवांस के लेवल पर सिलेक्शन होता है, और हमें 10-10 क्वेश्चन पर ध्यान देना, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ओनली, और उन 10 क्वेश्चन को करने के लिए थ्रू आउट द ईयर हमें मेहनत करनी है। तो क्या करना है, पिछले सालों के सभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, मैं आपको केमिस्ट्री दूंगा, फिजिक्स वाले टीचर और मैथ वाले टीचर उनसे डिस्कशन कीजिए, उनसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको फिजिक्स और मैथ देंगे विद कॉन्सेप्ट,
कोशिश रहेगी कि आपको एक एक पेपर का एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में करवाया जाए, ठीक है, जो जिस लेसन में से आया है उसमें से टॉपिक वाइज। सबसेट ऑफ एडवांस, हाँ कह सकते हैं सबसेट है बेटा, मेंस जो है वो छोटा लेवल है, अगर एडवांस आपका क्वालिफाई हो जाता है तो इसका मतलब मेंस तो अपने आप हो जाएगा, उसमें तो कोई कभी कोई दो राय होती ही नहीं, ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब हम आज का वो करते हैं, तो मैं जो बोल रहा था कि अगर कोई टॉपिक रह गया तो, हाँ बेटा रचना बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? नो सर। ठीक, तो अगर कोई टॉपिक रह गया तो उसमें चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि एडवांस के जब क्वेश्चंस करेंगे तो अगर कोई छोटा मोटा कंटेंट रह गया, कोई टॉपिक रह गया, कोई आपने बाहर से सुन लिया, स्कूल के टीचर से सुन लिया, या कहीं आप अगर अदर जगह पर किसी से कोचिंग ले रहे हैं वहां से आपने कुछ अलग सुन लिया, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन पता क्या आता है कि हमारे फलाने सर ने तो करवाया नहीं था, ये सर तो एक अलग चीज करवा रहे हैं, वो तो हमने देखी नहीं तो हमें तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं कोई एक टॉपिक मिस कर जाऊं लेकिन दूसरा कोई टीचर उस टॉपिक को करवा दे, बट हो सकता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवाया उसने ना करवाया, तो हल्की फुल्की चीजें लेफ्ट राइट होती हैं। हम लोग 90% सिलेबस ही कवर करते हैं, 90% याद रखना, और उसमें से आपको 55% ही लेने हैं, 90 में से 50, बाकी तो छूट है ना, तो 90 में से 55 लेने हैं, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि कोई एक टॉपिक रह गया, तो उस टॉपिक के चक्कर में हम इधर उधर भागते रहते हैं, इसका कर लिया उसका कर लिया इस टीचर से पढ़ लिया उससे, ऐसा इससे फायदा नहीं होगा। एक ही जगह पर जिस जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिससे आप पढ़ना पसंद कर रहे हो, उससे कंप्लीट सिलेबस एक बार कर लो, वो मान लो कंप्लीट का मतलब 70% तो करवाएगा ना, 70% आपका सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 30% मटेरियल अपने आप आपको मिल जाएगा, उसका कंटेंट अपने आप आ जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन एक टीचर के ऊपर भरोसा करके थोड़ा सा ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? अभी हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। तो भाई आज देखिए, सबसे पहले आप लोग प्लस वन के स्टूडेंट हो ना? यस सर। अरे मैंने ये प्लस टू वाले लगा दिए क्या? प्लस टू वाले, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे को एक स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी बेटा, लेट मी इलेक्ट्रो एटॉमिक एटॉमिक फोर्थ, ठीक है। चलिए तो भाई यहां देखिए, अब जरा हम यहाँ पर आज करने वाले हैं स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रा किस तरह से काम करता है, कितने टाइप का होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है किसी को पता है, कुछ अंदाजा है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? एनीवन कैन टेल मी? सर दैट इज सेवन लाइट्स, सेवन कलर्स। क्या क्या बेटा? सर दैट इज सेवन कलर्स। चलो मैं बताता हूँ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट काम करते हैं वैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। अब फिंगरप्रिंट और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चीज स्पेशल है क्या चीज नहीं है, अब उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कलर्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ या एनर्जी के हिसाब से कलर्स को अरेंज करना। जैसे आपने सुना होगा विबग्योर है ना, वी आई बी विब जी वाई ओ आर, ठीक है विबग्योर। अब विबग्योर के अंदर कौन कौन से कलर आते हैं ये पता है सभी को ना? यस सर। ठीक है चलिए, तो फिर विबग्योर के अंदर अब देखो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सबको पता है ना, तो इनकी कलर्स की, अब कलर्स अगर हमने वेवलेंथ चूज की थी, याद है आपको हमने लाइट का, लाइट के अंदर अलग अलग तरह की वेव्स देखी थी है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कितने टाइप की होती है, उसमें से एक विजुअल लाइट थी। विजुअल लाइट में 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ कम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो कम से ज्यादा की तरफ वेवलेंथ के अंदर जब हम जाते हैं, तो भाई इसके अंदर आपको पता है वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की या वायलेट की? रेड। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए ये दूर से दिखाई देने वाला कलर है, ठीक है। रेड लाल बत्ती होती है ना, आप लोगों ने रेड लाइट सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा सब जगह पर, है ना। तो लाल बत्ती क्यों लाल होती है, वो दूसरे कलर की क्यों नहीं होती है, क्योंकि दूर से दिखाई दे जाए इसलिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये कलर बहुत दूर से भी नजर आ जाता है, बहुत दूर से भी, इसलिए लाल बत्ती लाल रंग की होती है, इसका रीजन ये है। तो यानी कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है, तो यानी वायलेट वाले की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। तो यानी इस तरफ एनर्जी जो है वो इस तरफ बढ़ रही है,
एनर्जी, ठीक है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी मतलब वेवलेंथ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, यानी इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, रेड से वायलेट की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो वेवलेंथ किसकी कम होनी चाहिए भाई, वेवलेंथ इसकी होनी चाहिए 400, ये 400, ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर होती है क्या वो 400, मुझे वो डाटा याद नहीं कि वो कितने मीटर क्या होता है, ये 400 से 700 ये वेवलेंथ है, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर है, ठीक है, ये लैम्डा बेटा 4 से 7, तो हमें पता है लैम्डा किसका कम होगा, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो 400 to 700 ये लैम्डा है। इस तरह से वेवलेंथ और एनर्जी वर्क करते हैं। तो अब हम एक चीज जानते हैं कि वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, रेड सबसे कम एनर्जी वाला होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से वो रेड लाइट के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा तो दूर से दिखाई दे जाएगा। अब बात आती है कि इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है कलर की रेंज इन ए ऑर्डर, समझ में आया, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया अभी, रेंज इन ए ऑर्डर, ठीक है, कलर, कलर रेंज इन ए ऑर्डर। अब वो ऑर्डर क्या हो सकता है, वो ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कैसे भी लिख सकते हो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उन्होंने रेड से वायलेट की तरफ लेके आए वो, और मैंने वायलेट से रेड की तरफ लिखा है, तो चॉइस आपकी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, तो यहां तक, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इसकी स्टडी को, वेवलेंथ की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, वेवलेंथ की स्टडी को, यानी कि कितने, किस कलर और मतलब किस लेंथ की वेवलेंथ आई, या फ्रीक्वेंसी किस किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वेव जो है वो चल रही है, या किस वेवलेंथ पर वेव चल रही है, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लियर है। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में असलियत में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी असलियत में कैसे वर्क करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ये ध्यान रख लेना भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, यस बेटा, ये सबको समझ में आया, डेफिनेशन, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब है, अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब आपको वो चीज समझ में आएगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। ये मान लो एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक हीलियम का एटम बना दिया, हीलियम के एटम के पास में क्या होता है, थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा और इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, ठीक है, और हीलियम का एटम हाइड्रोजन के मुकाबले क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका न्यूक्लियस बड़ा है, बट वो छोटा होता नहीं है, चलो वो बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसका न्यूक्लियस बड़ा बना देते हैं, बस दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरह से इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटम, लिथियम का एटम और भी बड़ा होगा, है ना, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, और ये लिथियम है, लिथियम के एटम के अंदर क्या होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन तो अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये बात समझ में आ गई भी सबको, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना इस बात पर, बहुत ध्यान से सोचने वाले, तो बहुत आसान है स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन जनरली बच्चों को डेफिनेशन नहीं आती, इसका रीजन है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस वन में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, जो आपके सामने स्क्रीन पे वो डायग्राम था, बस उतना ही है, और उसके बाद में ये सीधा बीएससी सेकंड ईयर में आता है, बीएससी सेकंड ईयर, बैचलर ऑफ साइंस इन सेकंड ईयर, ठीक है, वहां पर टीचर्स पढ़ाते हैं इसे, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उससे पहले टीचर्स, उसके बाद में एमएससी तक चलता है, बट टीचर्स भी क्या करते हैं, रट्टा वट्टा मार लेते हैं, बट यहाँ प्लस वन में टीचर्स उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बताते ही नहीं है, समझ में आया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये काम का तो है नहीं, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, तो वो डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है बच्चों को, मैं आपको सीधी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो देखो, लिथियम का इंट्रैक्शन अलग है, उसका न्यूक्लियस की पावर अलग है, वो इलेक्ट्रॉन को अलग लेवल से अट्रैक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोजन अलग से, हीलियम अलग से, सोडियम अलग से, सारे एटम पीरियोडिक टेबल में अलग अलग और रेंज से एटम्स को अट्रैक्ट करेंगे, यस, ये बात कंफर्म है ना, सभी की पावर अलग है, तो अट्रैक्शन अलग है,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो जुड़ा हुआ है उसको अगर बाहर निकालना चाहो या उसे आप एनर्जी दोगे, तो एनर्जी लेने के बाद उसको एक्साइटेड स्टेट उसकी अलग अलग होगी। व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले तो वो बता देता हूँ। ये देखो ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, इससे अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है। ये कंफर्म्ड है सभी को, हर एक एटम में, हम इसी लेसन में पढ़ेंगे, हर एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। शेल में दो से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन ऑर्बिटल में नहीं आते। तो पहला ऑर्बिटल जो है वो 1s2 होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए याद कर लो कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो ये नीचे तो नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, बाकी की ऊपर वाली शेल्स तो सारी खाली पड़ी है ना, शेल्स और ऑर्बिटल सब खाली है, तो ये ऊपर आसानी से जा सकता है। तो मिनिमम एनर्जी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, सबसे आउटर वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी मिनिमम है, मतलब वो और नीचे नहीं जा सकता, अंदर जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, बाहर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एटम क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है तो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता है, बट जितना अंदर जाना था चला गया, अब और अंदर जाएगा तो रिपल्शन मिलेगी, इसलिए वो यहीं पर बैठ गया। अब अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हो तो ये तो अट्रैक्शन में है, तो हमें देनी पड़ेगी एनर्जी, ये बात कंफर्म्ड है। तो यानी कि अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हायर शेल में जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस शेल से यहां आ गया तो हमने एनर्जी दी, तो इस स्टेज को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइट हो गया ना वो, एक्साइटेड स्टेट, यस, ये बात समझ में आ गया, सबको समझ में आ गई ये बात, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तो इस स्टेट का क्या नाम होगा, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, मिनिमम एनर्जी जहां पर है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है बेटा। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पता लग गया होगा, बहुत कॉमन सी डेफिनेशन है, इसकी लिखने की भी जरूरत नहीं, बस समझ लो, याद हो जाएगी, क्योंकि हम हमेशा वही बात करते रहेंगे, ठीक है, कि ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब है मिनिमम एनर्जी जहां उसको बैठना है, उससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकता। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके बाहर निकालना चाहूं, या कोशिश करूं, निकाल नहीं रहा हूं, कोशिश करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस लेवल ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सोचो कि इसका, मान लो यहां पर इस एनर्जी लेवल यहां पर है 5 जूल एनर्जी लेवल, ठीक है, बाहर है 7 जूल एनर्जी लेवल, तो क्या हीलियम का भी जो थर्ड फोर्थ शेल होगी, क्या उसका 7 जूल एनर्जी लेवल होगा क्या, ये बताओ पहले तो मेरे को, क्या एनर्जी लेवल सबके बराबर होंगे, नेक्स्ट शेल मतलब हाइयर एनर्जी ना, तो उसकी एनर्जी, क्योंकि हम नीचे से इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो बाहर की शेल में आएगा, बाहर की शेल में मतलब एनर्जी गेन करेगा तभी तो बाहर आएगा। तो क्या सबकी शेल्स की एनर्जी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस अलग है तो अट्रैक्शन अलग है, अट्रैक्शन अलग है तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा, तो एनर्जी बाहर निकालने के लिए अलग अलग चाहिए सबको, सबको अलग अलग चाहिए, सभी एटम एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो सबकी एनर्जी अलग होगी, यस और नॉट, ये कंफर्म्ड है, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में अगर आप लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेट सी बात है सभी एटम्स की एनर्जी अलग होती है। अब एटम से हम मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं, मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, दो वो है और इनके जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में ओवर मिक्स हो गए, ठीक है, मिक्स हो जाते हैं ऑर्बिटल, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन में इधर उधर घूम रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी घूमे, हो सकता है यहाँ इस एरिया में भी घूमे, ज्यादातर ये इस एरिया में घूमते हैं, ठीक है, बट हम फॉर कह लो कि एक हाइपोथेटिकल केस के लिए हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल की भी तो एनर्जी, मॉलिक्यूल ने अलग तरह से अट्रैक्शन दिखाई, हर एक मॉलिक्यूल अलग होता है क्योंकि उसमें एटम्स अलग अलग होते हैं, सभी मॉलिक्यूल सेम हो गए वो तो एक ही मैटर बन गया, सब अलग अलग होते हैं तो मॉलिक्यूल अलग अलग है तो मैटर अलग अलग है, यस, ये भी कंफर्म्ड है सबको, तो सबकी एनर्जी मैटर्स की भी अलग है भाई, कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहता हूं उनकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, क्लियर है बेटा सबको ना ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, जब सबकी एनर्जी अलग है तो मैं मान लो कि इसको दे रहा हूं एनर्जी, लाइट एनर्जी दूं मैं, सपोज दैट कि मैं इसको लाइट एनर्जी दे रहा हूं, लाइट से इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इसको जितनी एनर्जी मैंने दी और उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऊपर जाएगा, फिर मैंने एनर्जी देना बंद कर दिया, समझ में आया, रेडिएशन एनर्जी दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है वो बाहर निकल जाता, चलने लग जाता, यहाँ पर भी मैं कुछ वैसा ही कर रहा हूँ लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल कर रहा हूँ।
तो देखो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन बाहर चलने लग गया, बाहर गया थोड़ा सा, मैंने एनर्जी देना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा अट्रैक्शन से। यस, ये बात क्लियर है सबको? तो देखो हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल, उसका एनर्जी गेन करने का लेवल अलग है, अलग लेवल है। वो पहले से दूसरे लेवल में जाएगा तो अलग लेवल की एनर्जी, दूसरे तीसरे में अलग लेवल की, सबका एनर्जी लेवल अलग है, भले ही डिफरेंस थोड़ा सा हो लेकिन सब में डिफरेंस है। तो ये मॉलिक्यूल जिस एनर्जी को गेन करेगा, जिस एनर्जी को ये मॉलिक्यूल गेन करेगा, वो एनर्जी जिस एनर्जी को ये मॉलिक्यूल गेन करेगा, वो एनर्जी कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं करेगा। तो अगर इसने जो रेडिएशन गेन की, अगर मैं उनको काउंट कर लूं तो इसने ये वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, और फिर एब्जॉर्ब के बाद जब वो छोड़ेगा, वही छोड़ेगा ना जो एब्जॉर्ब करी थी, तो जो छोड़ेगा उसको काउंट कर लूं तो वो तो एक ही बात होगी। लेकिन जो इसने एब्जॉर्ब की और जो नहीं की, नहीं वाली को अगर मैं स्टडी करूं तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल, इसने जो नहीं की थी, दूसरा मॉलिक्यूल सेम वाली तो एब्जॉर्बेशन नहीं वाली नहीं दिखाएगा, है ना? ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरा कोई मॉलिक्यूल, वो वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो सबकी एब्जॉर्प्शन की अगर मैं कलर की रेंज बना लूं तो, कि ये लो जी ये अलग अलग कलर की रेंज है, ये विबग्योर लिखा हुआ है ना, और विबग्योर के अंदर क्या है कि मान लो कि ये दो रेडिएशन या तीन रेडिएशन तो हीलियम एटम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, चार रेडिएशन लिथियम करता है, और नीचे वाली दो जो है वो कोई और एटम करता है, ऊपर वाली दो जो है कोई और करता है, ऊपर वाली तीन कोई और करता है, इनका सबका कॉम्बिनेशन अलग होगा एनर्जी लेवल का, यस और नो एब्जॉर्ब करने का। ये बात क्लियर है सबको? यस रसना बेटा बोलो, क्या डाउट है? सब क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? देखो सिंपल समझिए, सारे न्यूक्लियसेस अलग अलग है, न्यूक्लियस अलग है, सभी एटम के एटम अलग है तो न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियस अलग होगा तो मॉलिक्यूल भी अलग बनेंगे, सभी मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये बात तो क्लियर है आपको अच्छे से? यस सर। तो अगर मैं उनको रेडिएशन देता हूं तो उनकी अट्रैक्शन के हिसाब से मैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके आना चाहता हूं, मतलब बाहर भेजना चाहता हूं हायर लेवल पर, ठीक है? और अगर क्योंकि सभी एटम अलग है, उनकी अट्रैक्शन अलग है, तो सभी रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब करेंगे उनका एब्जॉर्प्शन भी तो सभी रेडिएशंस का अलग अलग होगा ना। विबग्योर में से कोई हो सकता है वी और आई को एब्जॉर्ब करे, कोई आर और वाई को एब्जॉर्ब करे, हो सकता है, सबका अलग अलग होगा एब्जॉर्प्शन। यानी सभी एटम सभी मॉलिक्यूल अलग अलग लेवल की एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो जो रेडिएशन उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, थोड़ी देर बाद वो वापस छोड़ देंगे। तो मैं अगर उसको स्टडी करूं, उनका एक ग्राफ बना लूं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अगर मैं उन रेडिएशन का जो उसने अब्सॉर्ब करके वापस छोड़ दी थी या जो उसने अब्सॉर्ब नहीं की थी, दोनों में से कोई भी उठा लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उनका स्पेक्ट्रम आ गया। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो स्पेक्ट्रम सभी मॉलिक्यूल्स का, सभी एटम्स का बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो ये फिंगरप्रिंट के जैसा नहीं होगा? इज दिस नॉट? समझ नहीं आया? फिर से सुनो, देखो भाई सिंपल कर देते हैं वापस, ठीक है? अगर मेरे पास एटम है, ठीक है, अब मैं एक एटम का एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, ठीक है? सपोज मेरे पास एक एटम है, ये एक एटम है हाइड्रोजन, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका नेक्स्ट लेवल ये है, उससे नेक्स्ट ये है, उससे नेक्स्ट ये है, उससे नेक्स्ट ये है, उससे नेक्स्ट ये। मैंने इसको यहां से हीट किया, हीट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। इनके एनर्जी लेवल्स में गैप मान लो कि यहाँ 2 जूल एनर्जी थी, ठीक है, ये सुपोज दैट, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, मान लो कि ये 2 जूल एनर्जी थी, ये 3 जूल है, ये 5 जूल है, ये 7 जूल है, 5 जूल, 7 जूल, ठीक है, ये 10 जूल है, ये 12 जूल है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंटों में भी होती है, मैंने तो ऐसे ही लिखी है। तो अगर हाइड्रोजन को गर्म करूंगा तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको रेडिएशन दे रहा हूं मैं, गर्म करने की बजाय मैं रेडिएशन दे दूं इसको, तो रेडिएशन की फॉर्म में भी ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो जो इसने अब्सॉर्ब कर लिया, अब मैंने रेडिएशन देना बंद कर दिया, अब ये वापस इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, वापस अंदर जाएगा तो अलग अलग लेवल से अंदर जाएगा, सीधा इकट्ठा भी जा सकता है, सीधा डायरेक्ट अंदर चला गया और वहीं पे आके बैठ गया। तो ये वो अब्सॉर्प्शन जो इसने अब्सॉर्ब की थी एनर्जी, वो वापस छोड़ेगा। मैं उसको उसका एक पैटर्न बना लेता हूँ कि इसने इस वेवलेंथ की एनर्जी छोड़ी, इसकी छोड़ी, इसकी छोड़ी, इसकी छोड़ी, इसकी पहले, इसकी फिर इसकी, इसकी, इसकी। पैटर्न बन गया, यानी कि मैंने सारी वेवलेंथ उसकी नोट कर ली जो इसने अब्सॉर्ब की थी, वो वाली वेवलेंथ मेरे पास आ गई।
अब किसी दूसरे एटम से अगर मैं कंपेयर करूं, हाइड्रोजन की जगह अगर मैं हीलियम को अब गर्म करता हूं और हीलियम का इलेक्ट्रॉन अगर, तो वो 2 जूल एनर्जी नहीं लेगा पहले लेवल पे, हो सकता है पहले लेवल पे 2 ले ले, तीसरे पे 3 नहीं लेगा, ये पक्की बात है। पहले पे 2 हो सकता है लेकिन दूसरे पर 3 नहीं लेगा, जो कि हाइड्रोजन 3 ले रहा था, तो ये हो सकता है 2.9 ले, 3 नहीं लेगा, नेक्स्ट वाले में 5 है तो हो सकता है ये 7 ले, तीसरे लेवल में उसकी 7 हो जाए, तो आप कहोगे 7 यहां भी था लेकिन ये तीसरा लेवल था इसका, तो ये चौथा लेवल था इसका, ये तीसरा लेवल है, ये समझ में आया। तो सभी एटम्स की एनर्जी को गेन करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी, और मैंने इसकी भी जब ये एनर्जी मेरे को वापस छोड़ेगा वो भी नोट कर लिया। यस क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई ना? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं कि इसने इतनी वेवलेंथ वाली एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, इतनी 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 इतनी, दूसरे हीलियम ने हाइड्रोजन ने इतनी 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 की थी, दोनों का कभी सेम नहीं आएगा। तो अगर कोई एटम सेम हाइड्रोजन वाली एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो पक्के तौर पर वो हाइड्रोजन ही है, ये कंफर्म हो गया, ये समझ में आया? तो ऐसे ही जैसे ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट होते हैं, ह्यूमंस के फिंगर, अगर मेरी फिंगर का प्रिंट किसी दूसरे पर्सन से मिल रहा है, वो दूसरा पर्सन नहीं एक्चुअल में वो मैं ही हूं, या फिर उसका फिंगरप्रिंट गलत है, समझ में आ गया? तो यानी हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल का, अगर मैं सबका एनर्जी लेवल उनको गर्म कर करके देखूं और फिर एनर्जी लेवल लिख लूं या कंप्यूटर में फीड कर दूं, और उसके बाद अगर मुझे कोई डिटेक्ट करना हो कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एटम है, तो मुझे क्या करना है, उसका एनर्जी लेवल नोट करना है और मैच करना है, कंप्यूटर अपने आप मैच कर देगा कि भाई साहब ये इससे मिल रहा है, इसका फिंगरप्रिंट इससे मिल रहा है, इसकी एनर्जी लेवल इससे मिल रहा है, क्लियर है? तो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसकी डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखवाई है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मैटर यानी कि सब्सटेंस पार्टिकल्स, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो रेडिएशन को मैंने इंटरेक्ट करवाया और उसके इंटरेक्शन को नोट कर लिया, और उसके नोट से मुझे कुछ डाटा मिला, उस डाटा को सेव कर लिया, और उसके बाद मैंने दूसरे एटम को उठाया, अगर उससे भी डाटा सेम मिल रहा है तो डेफिनेटली वो सेम एटम है, और अगर नहीं मिल रहा सेम अलग है तो वो अलग एटम है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको? अभी ये क्लियर है सबको ना? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, अब हम जरा हमारा वो पीछे वाला मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है, जो पीछे हमने कर रखा है, ये देखो भाई। अब देखो व्हाइट लाइट थी, प्रिज्म में से पास आउट होती है। अब जो स्पेक्ट्रम है वो दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा कर रहे हैं हम, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये वाला जो है ये एमिशन है, एमिशन में कलर चलो आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एमिशन वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो देखो व्हाइट लाइट आ रही थी, व्हाइट लाइट बीम में से पास आउट हुआ, प्रिज्म में से पास आउट हुआ, तो हमारे पास 7 कलर आ गए, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली 7 कलर है, क्लियर है ये बात, इसमें कोई गैप नहीं है, क्लियर है ना? ठीक है, अब दूसरा डायग्राम देखो क्या कहता है, प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम की वायर है, NaCl उसके ऊपर चिपका दिया हमने, थोड़ा मतलब प्लेटिनम की वायर के साथ NaCl को टच किया, और NaCl के टच होने के बाद क्या हो रहा है ये देखो जरा, NaCl को जब NaCl को टच करके उसको गर्म किया तो उसको बीम में से पास आउट करवाया और यहां प्रिज्म में से पास आउट करवाया, तो हमारे पास क्या आया, 2 लाइनें आ गई, 2 लाइनें, और इनकी हमने क्या निकाला, ये देखो हमने एक डाटा चेक कर लिया, इसकी वेवलेंथ नोट कर ली, 58, 58, 96 और 58, 90, ये 2 लाइनें थी, यानी 2 रेडिएशंस थी जिनकी वेवलेंथ इतनी इतनी थी, 2 लाइनें नहीं है ये समझ लो, 2 रेडिएशंस हैं अलग अलग वेवलेंथ की जिनकी वेवलेंथ इतनी थी, 2 येलो लाइंस, और ये इनका कलर येलो था, वेवलेंथ इतनी थी, कलर येलो था। तो अगर कभी भी नमक को आप इस तरह से गर्म करते हो तो हमेशा वो ये 2 वेवलेंथ ही अब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, सॉरी अब्सॉर्ब नहीं है, नमक ने कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया होगा, ध्यान देना, कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया और बाकी की बचती हुई 2 छोड़ दी, 7 कलर होते हैं ना, 7 में से 5 को अब्सॉर्ब कर लिया, 2 छोड़ दी, तो हमने वो 2 नोट कर ली। अब देखो नेक्स्ट एक गैस, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, वो था कंटिन्यूअस, 7 कलर सेम एक साथ हैं, लगातार हैं, लाइन में क्या होता है, लाइन में बीच में गैप है, इन दोनों लाइंस के बीच में गैप है, कलर कंटिन्यूअस नहीं है। यस, ये बात समझ में आ गया, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कलर कंटिन्यूअस नहीं होते, उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
और ये भी एमिशन स्पेक्ट्रम ही है। नीचे देखो एक और गैस है, अब इसने गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया, एमिशन स्पेक्ट्रा लिया। गैस है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गर्म कर रहा है, कैसे गर्म कर रहा है, देखो इधर इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है इधर उधर, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी लगाई, बीच में गैस भर दी और इसको बहुत ज्यादा वोल्टेज दी, तो इसमें से गैस में से रेडिएशन निकली, ठीक है, जो इसने अब्सॉर्ब करनी थी, देखो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी थी वो कर ली और बाकी की एनर्जी इसने छोड़ दी, तो जो छोड़ दी वो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसको नोट करवाया हमने, इट इज नोटेड एट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, वहां पर भी फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोटो छप जाती है, जैसे नेगेटिव छपता है, तो इनका एटम्स की एनर्जी का, एटम वेव छोड़ते हैं ना लाइट, और फोटोग्राफिक प्लेट क्या करती है, लाइट को ही, लाइट की फोटो खींचती है, तो यहां पर हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी और जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली थी बाकी की बचती हुई छोड़ दी, किसने, हाइड्रोजन गैस में, सेम ऊपर NaCl ने भी बाकी की बचती हुई छोड़ दी थी, इसे बोलते हैं एमिशन, एमिट करना, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह का, एक कंटिन्यूस है जो व्हाइट लाइट में होता है और दूसरा कोई भी एटम, कोई भी एटम, कोई भी मोलिक्यूल लाइन स्पेक्ट्रा ही दिखाता है एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर, वो कंटिन्यूस कभी नहीं होता, याद रख लेना, कंटिन्यूस सिर्फ सनलाइट है, बाकी कोई कंटिन्यूस नहीं है, ये बात समझ में आ गई सबको, हमेशा फिंगरप्रिंट की तरह लाइन स्पेक्ट्रा ही होगा, सभी एटम्स में लाइन स्पेक्ट्रा होता, मतलब वो सारी रेडिएशन कंटिन्यू थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे या कंटिन्यू थोड़ा छोड़ देंगे, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे कुछ छोड़ देंगे, जो एब्जॉर्ब कर ली उनके बीच में गैप आ जाएगा, जो छोड़ दी वो सीधी सीधी हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे फोटो की तरह दिखेंगी, और उस फोटो को मैच करेंगे दूसरे किसी एलिमेंट से, अगर वो सेम मैच हो गया तो वो सेम एलिमेंट है, अगर सेम मैच नहीं हो रहा तो डिफरेंट एलिमेंट है, क्लियर है, एलिमेंट या मॉलिक्यूल दोनों ही, यस बेटा सबको क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन, देखो इंटरेक्शन का मतलब हम रेडिएशन डाल रहे हैं, मैटर उससे इंटरेक्ट कर रहा है और फिर उसकी स्टडी की जा रही है, मतलब मैटर कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है कुछ छोड़ देता है, जो छोड़ देता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ हम NaCl को गर्म किया, कुछ इसने अब्सॉर्ब कर ली बाकी की छोड़ दी, जो छोड़ दी उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दो लाइनें आ गई, लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा, मैटर हमेशा लाइन स्पेक्ट्रा बनाता है, क्लियर है, रचना बेटा यस बोलो सर, H2 गैस वाला एक बार रिपीट कर दीजिए, H2 गैस देखो हमने दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी से गैस को गर्म किया, हीट अप हुआ और उसके बाद उसने जो एब्जॉर्ब करनी थी उस हीट में से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी थी कर ली और बाकी की छोड़ दी, बाकी की जो छोड़ी उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे लेके आए और वो भी लाइन स्पेक्ट्रा है, यहां देखो ये कंटिन्यू नहीं है, इसको ऐसा मत समझना, ये देखो ये लाइन स्पेक्ट्रा, कोई लाइन है कोई डार्क है, कोई लाइन है कोई डार्क है, क्लियर है सर, इसमें कितनी लाइट रेज निकलती है, कितनी भी निकल सकती है बेटा, उसकी काउंटिंग ऐसे नहीं होती है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ मोटा मोटा NaCl में टू येलो लाइन, NaCl में ओनली दो है, इसके अंदर बहुत सारी निकलती है, ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, वो कैसे निकलती है क्या है, अब यहां से मैं आपको ना स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेस्ट एवर यूज बताता हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं है लेकिन तनिष्क की शॉप्स पता होंगी आपको, तनिष्क जो गोल्ड बनाता है, गोल्ड का भी काम करते हैं तनिष्क, टाटा तनिष्क है ना, उनकी शॉप पर जाइए, अगर आपके पास गोल्ड है आपके घर में, नॉर्मली इंडियंस जो है उनके सबके घर में गोल्ड है, देखो बाहर के देश है ना जितने भी विदेशी देश है उन सब में सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास गोल्ड ज्यादा होता है और उनके जो बंदे होते हैं वहां पर जो जितने भी पर्सन हैं उनके पास में गोल्ड कम होता है, इंडिया एक ऐसा देश है जो अपने जिसकी सरकार के पास सोना कम है लेकिन भारतीय लोगों के पास घरों में सोना बहुत है, सभी लोग सोना बहुत पहनते हैं, ठीक है, चाहे थोड़ा थोड़ा हो लेकिन टोटल ओवरऑल पूरी कंट्री का सोना मिलाएंगे तो बहुत हो जाएगा, क्लियर है, तो ये है मतलब इंडिया में सोना बहुत होता है, तो आप अगर तनिष्क की शॉप पर जाते हैं, तनिष्क की शॉप के ऊपर उनके पास एक स्पेक्ट्रोमीटर पड़ा होता है, स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें वो आपका गोल्ड डालेंगे, 5 मिनट स्कैन करेगा, वो रेडिएशन डालेगा छोड़ेगा डालेगा छोड़ेगा, फिर उनकी फोटो खींचेगा, फिर उसको कंप्यूटराइज करेगा, कंप्यूटर में फिर मैच करेगा और वो आपको 5 मिनट बाद बता देगा कि आपके गोल्ड में इतना तो तांबा मिला हुआ है कॉपर और इतना आपका प्योर गोल्ड है, 5 मिनट के स्कैनिंग से बता देता है, समझ में आया कितनी काम की चीज है ये, तो मतलब मैटर को स्कैन कर लेता है उसकी जो मतलब स्कैन मतलब ऐसे नहीं बेटा, वो क्या करता है, वो हीट या रेडिएशन डालेगा, वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर लेगा, गोल्ड का एब्जॉर्प्शन अलग है, कॉपर उसमें मिक्स है या कोई और मेटल मिक्स है या कोई और इम्प्योरिटी मिक्स है उसका एब्जॉर्प्शन अलग होगा, तो गोल्ड मान लो कि 2 ग्राम की अंगूठी है, 2 ग्राम की अंगूठी में हो सकता है 1.5 ग्राम तो गोल्ड है और 0.5 ग्राम जो है बाकी की इम्प्योरिटी है, क्लियर है,
तो वो इम्प्योरिटी को अलग दिखा देगा कि ये तो गोल्ड से मैच नहीं करता जी, 0.5 ग्राम, और बाकी का 1.5 ग्राम गोल्ड से मैच कर रहा है इसका डाटा, ये एब्जॉर्प्शन गोल्ड इतना कर रहा है और इतना ही गोल्ड होना चाहिए। क्लियर है? सारा काम कैलकुलेशन होता है, सारा कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। समझ में आया? हाँ बेटा, सर अगर कोई एलोए होगा तो फिर वो पता कैसे चलेगा, क्योंकि वो तो होमोजेनियस होता है। बेशक होमोजीनस हो, एटम आपस में थोड़ा घुस जाएंगे, वो अंदर से आर पार जाएगा ना बेटा, सभी को अपने आप बता देगा, उसकी परसेंटेज बता देगा कि कौन कितना परसेंट है। गोल्ड भी तो एलोय होता है, जो पहनने वाला गोल्ड है उसमें कॉपर मिलाया जाता है, समझ गए? तो वो कॉपर को अलग से बता देगा, वो कॉपर अलग थोड़ा दिख रहा होगा, कॉपर उसके अंदर ही मिक्स है। तो रेडिएशन अंदर तक जाती है, उसको हीट करती है, और फिर गोल्ड के पार्टिकल का नंबर अलग बता देती है, ये गोल्ड इतना है, कॉपर इतना है, अगर इम्प्योरिटी इतनी है। बहुत आसानी से क्लियर है? यस ऐसे करके तो यही काम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। फिंगरप्रिंट की तरह इंसानों के हर एटम हर मॉलिक्यूल अलग होता है, और उसका लाइन स्पेक्ट्रा अलग होता है, और ये लाइन स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। क्लियर है भाई सबको? ठीक यस है, तो आपको ये तीनों स्पेक्ट्रा अब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बहुत कम आता है, जस्ट डेफिनेशन है। लाइन स्पेक्ट्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन स्पेक्ट्रा। और ये लाइन स्पेक्ट्रा जिसपे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, एनएसीएल वाला, नीचे वाला एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल है। एनएसीएल वाला आप याद कर सकते हैं, दो लाइन देता है, दो येलो लाइन। इनकी वेवलेंथ याद करने की जरूरत नहीं, बट दो वेवलेंथ येलो लाइन देता है, बस इतना याद कीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा, डार्क लाइन इन येलो रीजन। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किया। पहले वाला एमिशन था, अब है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उल्टा एमिशन में क्या हो रहा था, ध्यान दे लेना अब इस पे, तभी मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। एमिशन में क्या हो रहा था, एनएसएल को गर्म किया, गर्म करने पर उसने कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को छोड़ दिया, एमिट कर दिया। जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया उन्हीं को एमिट करेगा ना। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ गई? तो जिनको एब्जॉर्ब नहीं किया था वो लिया हमने। अब यहां हम क्या ले रहे हैं, एनएसएल का ये सोल्यूशन है, इसको किया गर्म, ठीक है, मतलब इसको रेडिएशन दे रहे हैं, यहां से रेडिएशन आ रही है। तो रेडिएशन क्या करेगा भाई, यहां से रेडिएशन जब आएगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को। क्लियर है? रेडिएशन उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद यहां हमने क्या किया, एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको वापस, जो रेडिएशन ये एब्जॉर्प्शन के बाद छोड़ता है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, इसने ये दो रेडिएशन तो छोड़ दी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको? ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसने दो येलो लाइंस छोड़ दी, यानी कि इसने कुछ बाकी की जो रेडिएशन हैं वो एब्जॉर्ब कर ली, दैट इज गोल्ड। ये एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेगा इसको, यहां पर भी तो प्रोडक्शन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा डिस्चार्ज ऑफ लाइट, ठीक है, वायर है, गर्म किया, बीम को पास किया, दो लाइनें दिखाता है, यहाँ भी दो लाइन दिखा रहा है, यहाँ भी दो लाइन दिखा रहा है, डायग्राम गलत तो नहीं दे रखा, दो लाइनें नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बता देता हूँ, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। देखो हुआ होगा क्या वो कंफर्म कर लो, ठीक है, बाद में मैं इसका अलग डायग्राम आपको पता लग जाएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसने सॉल्यूशन ने यहाँ एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करने के बाद में मैंने क्या किया, यहां से इसको कट कर दिया, यानी अब मैं यहां से इसकी लाइट को पास नहीं होने दे रहा। तो कुछ देर बाद सॉल्यूशन ने जो एब्जॉर्ब किया था वो वापस छोड़ेगा, यस। जो छोड़ा वो क्या था, पहले एब्जॉर्ब किया था बाद में वही छोड़ दिया, तो एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब किया था उसको वापस जब सॉल्यूशन छोड़ेगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और वो उल्टा होता है लाइन स्पेक्ट्रा का। मतलब लाइन स्पेक्ट्रा में तो दो लाइनें आ रही थी ना, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर दो लाइनें आ रही हैं सिर्फ, ये वाली दो लाइनें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बाकी की बचती हुई लाइनें आएंगी यहां पर बाकी की बचती हुई लाइनें आएंगी दो लाइनों को छोड़कर। यानी आपने यहाँ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिया था सात कलर की लाइट का, सात में से दो येलो लाइट तो इसने एब्जॉर्ब कर ली थी, ठीक है, और बाकी की जो थी, सॉरी, दो येलो लाइट छोड़ दी थी और बाकी की जो थी वो एब्जॉर्ब कर ली थी। जो बाकी की एब्जॉर्ब लाइटें थी, जब मैंने ये लाइट सोर्स तोड़ दिया तो उसने वापस वो साथ की साथ छोड़ दी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ में आया भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? ये थोड़ा डायग्राम उसका सही नहीं है, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, याद रख लेना, बस इतना ही डिफरेंस है। अब आगे देखो इन दोनों का डिफरेंस दिखा रखा है, जो आपके पढ़ने की और याद करने की चीज है। अभी तक जो भी हमने किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंटरेक्शन विद मैटर, रेडियो
मैटर के साथ इंटरेक्शन रेडियो और रेडिएशन का, ठीक है, और उस रेडिएशन में क्या होता है, सबका अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, तो सब अलग अलग एनर्जी लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन या एमिट करते हैं। एब्जॉर्ब वाले का ग्राफ बना लो, एमिट वाले का ग्राफ बना लो, किसी का बना लो, और उसको कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव कर दो। जैसे ही कोई एलिमेंट आपके सामने, कोई मॉलिक्यूल आपके सामने आता है, सभी मॉलिक्यूल्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा, याद रख लेना, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल है, तो वो सबको फिर आपको मैच करना पड़ेगा। आगे देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। एमिशन क्या होता है, जो एब्जॉर्ब की बाकी की जो बच गई सीधा एनालाइज कर ली। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो व्हाइट लाइट पास होती है, उसके बाद में ट्रांसमिटेड लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप वही मशीन होती है जो तनिष्क की दुकानों पर पड़ी होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट होता है, इसके अंदर पहले पास होती है, फिर उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट को। इट कंटेन ब्राइटल कलर लाइट स्पार्क इन डार्क स्पेस। तो ये ब्राइट कलर्ड लाइन दिखाता है सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, और ये डार्क लाइन दिखाता है अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अलावा, एक दूसरे के उल्टे हैं, सीधी सी बात है। इसमें जो दो लाइनें दिखेंगी, इसमें बाकी की सारी लाइनें दिखेंगी, वो दो लाइनें नहीं दिखेंगी, ठीक है, सिंपली ऐसे समझ सकते हो। थर्ड देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस हो सकता है इफ सोर्स एमिट व्हाइट लाइट, और डिसकंटिन्यूअस अगर व्हाइट लाइट है तो वो कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है लाइन स्पेक्ट्रम इफ एमिट सोर्स कलर्ड लाइट, अगर वो कलर्ड रेडिएशन है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, व्हाइट है तो वो कंटिन्यूअस हो सकता है। नेक्स्ट, ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है, एब्जॉर्प्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, बस ये याद रखना। क्लियर है बेटा, डिफरेंसेस जस्ट लर्न करने हैं, माइंड में देखो ये कंफ्यूजन होते हैं, एमिशन कौन सा, एब्जॉर्प्शन कौन सा, बट कंफ्यूज मत होइएगा। डिफरेंस को फिर से एक्सप्लेन करूं, देखो एमिशन स्पेक्ट्रा कब होता है भाई, डायरेक्टली सोर्स से लाइट आ रही है, डायरेक्टली उसको अब्सॉर्ब करते हैं, एमिशन है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, व्हाइट लाइट पहले पास होती है सब्सटेंस से, उसके बाद में सब्सटेंस से पास होने के बाद में जो बचता है वो उसको हम स्टडी करते हैं, और एमिशन में क्या था, डायरेक्ट सोर्स से जो भी लाइट आ रही है उसको स्टडी करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, मेन ये है। उसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और इसके अंदर ब्राइटल कलर और बाकी डार्क होते हैं, एमिशन में उसके अंदर डार्क लाइनें होती हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस, डार्क लाइन या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखाई देता है, दैट्स इट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब जरा हमने हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा लिया, तो हाइड्रोजन में बहुत सारी लाइन्स आई। हाइड्रोजन के एटम को जब गर्म किया और उसके बाद उसको ठंडा किया, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, तो उसके अंदर बहुत सारी लाइनें आई, बहुत सारी, ये वो लाइनें हैं। और इन लाइनों में अब देखो, जो रेडिएशन दोगे वही अब्सॉर्ब करेगा ना, अब कुछ उसमें से कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे मैंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दी, तो इस तरह की लेमन सीरीज बोलते हैं इसको, लेमन लाइनें आई, ये समझ में आ रहा है भाई। अल्ट्रा वायलेट जब रेडिएशन दी मैंने हाइड्रोजन के एटम को, मैंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दी, ठीक है, यूवी, यूवी जब मैंने दी, हाइड्रोजन का एटम गर्म हुआ तो इसने क्या किया, एक बहुत सारी अलग अलग तरह की रेडिएशन वापस छोड़ दी। मैंने इसका एक ग्राफ बना लिया इन रेडिएशंस का, ये था क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, यहाँ मान लो लोअर से हायर वेवलेंथ पे जा रहा है, ठीक है, या उल्टा हो रहा है, हाँ लोअर से हायर, ये लो वेवलेंथ है भाई और इस तरफ हाई है, क्योंकि देखो इंफ्रारेड रीजन में और हाई वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, तो यहाँ पर हाई वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्लियर है। तो मान के चलो जब मैंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दी हाइड्रोजन के एटम को, तो उसने इस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके दिखाया या एमिट किया। फिर उसके बाद जब विजिबल लाइट दी तो इसके बीच में आया, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को, हाइड्रोजन को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दी जाती है तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, उससे जो लाइनों का सीरीज बनती है, उसको बोलते हैं लेमन सीरीज। हाँ रचना बेटा बोलो। सर लेमन का कुछ मीनिंग भी है, मतलब साइंटिस्टों के नाम है जिन्होंने ढूंढे थे बेटा। ओके सर, साइंटिस्टों के नाम में सारे लेमन, बास्ट, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन, ठीक है। तो देखो सर ये ग्राफ भी बनाने को आएगा क्या? सर ग्राफ बनाने को आएगा पेपर में? ग्राफ ये याद करना आपको, ये वाला आपको याद होना चाहिए, ग्राफ नहीं, ये लाइनें तो चाहे 10 की जगह 20 लगा दो आप, कोई चक्कर नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये सीरीज में याद होना चाहिए, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन, ये सीरीज में याद होना चाहिए। अब देखो अल्ट्रावायलेट लेमन से लिंक रखता है, ये भी याद रखना है, बाल्मर विजिबल से, पास्टन ब्रैकेट और पफंड जो है वो इंफ्रारेड से, ये तीनों एक है वो इंफ्रारेड से लिंक रखते हैं। जब मैंने इसको इंफ्रारेड रेडिएशन दी तो इतनी सीरीज आई, तो इसमें पास्टन ने सिर्फ यहां तक
मतलब स्टडी किया, ब्रैकेट ने बताया ये भी होती हैं, पफन ने बताया ये भी होती हैं, और ये सारी की सारी इंफ्रारेड में होती हैं, तो सबको अलग अलग टाइम पर मिली इसलिए उनको ऐसे लिख दिया। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया सबको? ये डायग्राम याद करना, याद रख लेना, ठीक है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो इस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आया। अब जो देखो भी रेडबर्ग फॉर्मूला से हम उसकी लाइनों को काउंट करने का तरीका ढूंढते हैं कि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे कैसे लाइनें आती हैं, इतनी लाइनें क्यों आती हैं हाइड्रोजन में। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो रेडबर्ग ने दिया था। तो रेडबर्ग ने सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया ये वाला, लेकिन इसको याद नहीं रखना, ठीक है? मैं नीचे जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसको याद रखना है। कैसे? रेडबर्ग ने क्या कहा? न्यू बार, न्यू बार क्या होता है अभी मेरे को कोई बताएगा? व्हाट इज न्यू बार? न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू बार भी होता है एक चीज, याद है किसी को न्यू बार क्या होता है? यस, एनीवन एल्स? वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर 1/लैम्डा, दैट इज 1/लैम्डा, ठीक है? तो ये होता है न्यू बार, वेव नंबर 1/लैम्डा, तो न्यू बार इक्वल होता है 1/लैम्डा, ये याद रख लेना, वेव नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है? वेव नंबर इसको याद रखना भाई, जो हमने पीछे किया है उसको भूलिए मत, वेव नंबर, ये है वेव नंबर, ठीक है? अब बात करते हैं लेमन सीरीज, लेमन ने हम अब सब सभी साइंटिस्टों ने अलग अलग कैसे ढूंढा, क्या सिस्टम किया, तो देखो लेमन ने क्या क्या किया था। लेमन ने बोला, जब उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम नोट किया ना, तो लेमन ने कैसे कब नोट किया था, ये हाइड्रोजन का आइटम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो उसने क्या करा, वो बोलता है N1 की वैल्यू 1, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, यहां पर ये रहा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। N2, इसने फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में भेज दिया, या फिर फर्स्ट से सीधा थर्ड में भेज दिया, या फर्स्ट से सीधा फोर्थ में भेज दिया, या फर्स्ट से सीधा फिफ्थ में भेज दिया, या फर्स्ट से सीधा सिक्स के अंदर भी भेज दिया, या फर्स्ट से सेवंथ में भी भेज सकता है, ठीक है? तो सेवंथ नहीं बनाते हैं, ये क्लियर हो गया भाई? उसने जब देखो हाइड्रोजन के एटम को जब हम गर्म करेंगे, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन था वो सीधा छठी में जा सकता है अचानक से गर्म हो जाए? कोई एक एटम, ऐसा नहीं कि एक ही एटम को गर्म करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं हमारे लिए एक एटम को अलग करना, तो कोई एक एटम पहली शेल से सीधा छठी में जा सकता है, कोई दूसरा एटम पांचवी में जा सकता है, चौथी में, तीसरी में, दूसरी में, पहली में जा सकता है, नो डाउट, ठीक है? सातवीं आठवीं में भी जा सकता है कोई एक एटम, ये बात कंफर्म है ना सबको? तो ये लेमन ने क्या करा, नोट करा। फिर बाल्मर ने नोट किया, बाल्मर कहता है एटम बेटा अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन जाएगा पहली शेल से दूसरी में, दूसरी से तीसरी, जो या पहली से सीधा तीसरी में, पहली से चौथी में, पहली से पांचवी में, पहली से छठी में, पहली से सातवीं में चला गया सीधा, इलेक्ट्रॉन जाएगा पहली शेल से सातवीं में। अनुज क्लियर है बेटा? एक एटम का किसी दूसरे एटम में वही इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में भी तो जा सकता, हो सकता है उसने एनर्जी कम एब्जॉर्ब की हो, वो पहली से दूसरी में पहुंच गया, जितने ज्यादा की थी वो पहली से सातवीं में पहुंच गया। तो लेमन ने देखा कि पहली शेल से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है अपनी ग्राउंड स्टेट से, सीधा पांचवीं सातवीं कहीं पे भी जा सकता है, पहली दूसरी तीसरी, तो N2 की वैल्यू यानी कि दूसरी शेल कौन सी होगी, 2, 3, 4, 5 इससे आगे हो सकती है, पीछे थोड़ा होगी। अब बाल्मर ने क्या चेक किया कि N1 की वैल्यू 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से ही, देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये, पहले से ही अगर सेकंड शेल में हो, यानी इसने पहले कुछ एनर्जी, सारे एटम से कुछ एनर्जी ले रखी है और सभी इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में हैं ऑलरेडी, ये समझ लो। अब वो सेकंड से कहां जा सकता है, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ऑब्वियस, तो थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, नीचे नहीं आएगा ना, एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं भी आ सकता है। यस, क्लियर है ये बात? ये समझ में आ गया? तो इसलिए बाल्मर सीरीज बन गई कि n की वैल्यू 2 है, सेम एज इज पासमन पास्टन yes, था उसने n की वैल्यू 3 लेके सारी सीरीज कर दी, फिर n की वैल्यू 4 लेके, तो इस तरह से उनकी सबकी लाइनें अलग अलग आ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक बेसिक जो एनर्जी लेवल था वो सबका अलग अलग आ रहा था, सबने अलग अलग लिया था, ठीक है? दैट इज वाई सबकी जो शेल्स हैं वो अलग अलग है। तो यहां से फिर एक रेडबर्ग फॉर्मूला बना, रेडबर्ग ने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडबर्ग फॉर्मूला। हालांकि मैं बात बता देता हूँ, बाल्मर जो था, बाल्मर, ठीक है, रेडबर्ग जो था उसने ये फॉर्मूला दिया था, लेकिन बाद में बाल्मर ने क्या किया, बाल्मर में उसने थोड़ा सा संशोधन कर दिया, तो उस फॉर्मूले को बाल्मर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है?
जब एन टू की वैल्यू एक्सप्रेशन गिवन इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज एट इट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय बाल्मर इन 1882 एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ लाइन इज नेम लाइन विजिबल. ठीक है, सॉरी भी उल्टा बोल रहा हूँ. बाल्मर था जिसने ये फॉर्मूला दिया था सबसे पहले एन वन की वैल्यू टू लिख के. उसने क्या भरा था पता है? इस फॉर्मूले में एन वन की वैल्यू टू भर दी, सीधा टू, टू का स्केयर इसको फिक्स कर दिया और बाकी के सारी वैल्यूज निकाल ली थी. बाद में ब्रेडबर्ग ने क्या किया, बस इसमें एन वन की वैल्यू को एन वन का स्केयर कर दिया, बाकी सब सेम रखा. तो फॉर्मूला एक्चुअल में तो बाल्मर ने दिया था, सही मायने रखे जाए, बट ब्रेडबर्ग का नाम हो गया, है ना. यस मुस्कान बेटा. सर समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो लास्ट वन मिनट का. हाँ मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया भी नहीं है. तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बाल्मर था जिसने शुरू में फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले में एन वन, ये देखो फॉर्मूला पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको क्लियर होगा. देखो ये क्या कहता है, न्यू बार जो है फॉर्मूले के अंदर आपको दिख रहा है, न्यू बार जो है वो आर, आर रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है, याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो वन बाय एन वन का स्केयर. एन वन मतलब अगर लेमन सीरीज है एन वन की वैल्यू वन है, अगर बाल्मर है एन वन की वैल्यू टू है, पास्टन एन वन की वैल्यू थ्री है, ब्रैकेट एन वन की वैल्यू फोर है, फाइव है, एन वन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव हो सकती है उसकी सीरीज के हिसाब से. और प्लस ये माइनस में क्या कर रहा है, वन बाय एन टू का स्केयर. एन टू क्या है, अगर एन वन की वैल्यू वन है तो टू की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकती है, अगर एन वन की वैल्यू टू है तो वो थ्री से ऊपर होगी, थ्री है तो थ्री से ऊपर, फोर है तो फोर से ऊपर. तो इस तरह से एन टू की वैल्यू आ जाएगी. और मल्टीप्लाई में आ गया जेड स्केयर. जेड स्केयर क्या है भाई, वट इज जेड, एटॉमिक नंबर. क्लियर है? यस बेटा, सबको समझ में आ गया, जेड यहां पर एटॉमिक नंबर है. तो देखो बाल्मर ने क्या किया था, बाल्मर ने बेचारे ने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था, उसने एन वन स्केयर नहीं किया, उसने यहां पे सीधा ना फोर भर लिया. एन वन की वैल्यू उसकी क्या थी, टू, तो टू का स्केयर हो गया फोर. उसने यहां एन वन स्केयर की जगह फोर भर दिया और बाकी की सारी वैल्यूज फिर थ्री फोर के हिसाब से, एन टू की वैल्यू थ्री फोर के हिसाब से निकाल ली. ठीक है, तो इसलिए ना असलियत में फॉर्मूला दिया था बाल्मर ने, लेकिन रेडबर्ग ने उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया, थोड़ा करेक्शन कर दिया, एन वन का स्केयर कर दिया उसने और फिर इन सबको डिफाइन कर दिया. तो इसलिए इस फॉर्मूले का नाम हो गया रेडबर्ग फॉर्मूला, है ना. जाती है बाल्मर के साथ, फॉर्मूला तो उसी ने दिया था, लगभग सारा काम तो उसी का था, बाल्मर ने तो छोटा सा करेक्शन किया है, है ना. चलो फिर भी हमें फॉर्मूला तो यही याद रखना है, डोंट वरी, वो तो उनकी आपस की बात है क्या हुआ और कैसे हुआ. तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला भाई, इससे आप लोग क्या करने वाले हो, सारी लाइनों को निकालने वाले हो कि कौन सी लाइन कैसे होगी. ठीक है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, अब आगे देखो बेटा क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ दे रखी है पर सेंटीमीटर में, ये रही. ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, 109,670 पर सेंटीमीटर, यूनिट भी याद हो, या फिर मीटर लगाना चाहते हो तो ऑब्वियस है 10^-7 आ जाएगा, 1.097 इंटू 10^7. क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, पर मीटर, दैट्स इट. ठीक है, तो ये है आर की वैल्यू, एन वन एन टू आपको पता लग गया. अब बात करते हैं लिमिटिंग लाइंस की. लिमिटिंग लाइन देखो नीचे लिखा हुआ, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, जब n2 की वैल्यू इंफिनिटी ले लेते हो, n2 की वैल्यू इंफिनिटी यानी हमने इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दिया, कोई शेल में रखा ही नहीं, सभी शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी. क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया ये, इंफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया एटम से. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, हाइड्रोजन के एटम को आयोनाइज करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो आयन बन गया, तो हाइड्रोजन के एटम को अगर आयन बनाना है तो वहां पर क्या होगा, हम n2 की वैल्यू जो है इंफिनिटी का स्केयर, मतलब इंफिनिटी का स्केयर इंफिनिटी, तो वो भर के फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन एन स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब बात करते हैं जेड जो था ना वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के ऊपर, ये फॉर्मूला सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक ही अप्लाई होता है. हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ अदर, तो लिथियम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, लिथियम टू पॉजिटिव, इसके ऊपर रेडबर्ग फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो. रेडबर्ग फॉर्मूला, एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेज में जाता है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिस भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पर यह फॉर्मूला फिट बैठेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा. अब आप बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन में है, बेशक हाइड्रोजन में है, हीलियम में, हीलियम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, वन पॉजिटिव बना दो, उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई करो. लिथियम में दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो,
फिर टू पॉजिटिव हो गया, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है भाई, ये समझ में आया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मतलब जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सोडियम हो सकता है क्या बेटा? सर सोडियम हो सकता है? हो सकता है सोडियम, सोडियम में से फिर आपको काफी सारे वो इलेक्ट्रॉन्स गायब करने पड़ेंगे। सर उसके आउटर मोस्ट में वन होता है, सो आउटर मोस्ट में नहीं, हमें चाहिए सिर्फ एक एक ही इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो सोडियम के, तब फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके सामने अब रेडबर्ग फॉर्मूला है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखो जो मैं बता रहा था ना कि N1, N2, N3 कैसे होगा, तो देखो मान लो आप लोग स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट, ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आठवीं शेल में है, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या सातवीं शेल में है, या वो कहां है क्या बोलते हैं, छठी शेल में है, या पांचवीं शेल में है, या चौथी शेल में है, या तीसरी में है, या पहली शेल में है। और N1 यानी कि ये कौन सी है, लेमन सीरीज है, याद रख लेना, अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट लेमन सीरीज। तो हो क्या रहा है यहाँ, लेमन ने क्या बोला था, पहली शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो पहली सेल से अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और सीधा आठवीं में पहुंच गया, आठवीं में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अब आठवीं में पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब एब्जॉर्ब गया जो वापिस छोड़ेगा ना, वापिस छोड़ेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम यहां पर इसका नोट कर रहे हैं, जो वो वापिस छोड़ेगा, ठीक है, तब हम नोट करेंगे। तो आठवीं शेल में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो किसी एक एटम का, हाइड्रोजन को बहुत सारे एटम हैं जिनको हमने एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया पहली शेल से, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन आठवीं शेल में हो सकता है, वो आठवीं से पहली में आ गया, सातवीं में हो सकता है, सातवीं से भी डायरेक्ट पहली में, छठी से भी, पांचवीं, चौथी, तीसरी, दूसरी से सीधा पहली में, अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आ रहा है तो कितनी लाइंस दिखा सकता हो। तो लेमन सीरीज के अंदर यहां देखो कितनी लाइंस आपको दिख रही है, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, सातवीं शेल्स तक इसके अंदर 7 लाइनें आपको नजर आ रही है। सर हम 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बेटा, एनर्जी लगेगी लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा काम, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल केस की तरह ही यूज होगा। समझ में आ गया रचना बेटा? निकाल तो सारे सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वो हाइपोथेटिकल केस हो जाएगा, वो मतलब बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देने के बाद में उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस पर रिसर्च विसर्च नहीं हो सकती, बस एनर्जी हाँ निकाल तो सकते हैं। तो यहाँ देखो लेमन सीरीज में क्या है भाई, आठवें से पहले में, मतलब पहले में गिरेगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। बाल्मर सीरीज में क्या है, आठवें से दूसरे में गिरेगा, पहले में नहीं, दूसरे में, फिर सातवें से, छठे से, तो ये लाइनें गिन लो, यही काउंटिंग करनी है आपको, ये लाइनें गिननी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे कि N1 की वैल्यू, मैं अगर आपको कहूं कि N1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है, ठीक है, बाल्मर सीरीज है, तो और N2 की वैल्यू 8 है। अब यहां देखना, इफ, यहां मैं लिख रहा हूं इसको, इफ N1 इक्वल टू N2 इक्वल 8, N2 8 है, ठीक है, लास्ट इसके अंदर सारी लाइनें होंगी ना, N2 की वैल्यू 8 है, सपोज दैट, तो इसके अंदर टोटल लाइंस कितनी होंगी, टोटल लाइंस सोचो जरा कितनी होंगी भाई, नीचे लिख देते हैं इसको, टोटल लाइंस कितनी आएंगी, टोटल लाइंस बता सकते हो आप लोग? देखो बाल्मर, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें होंगी टोटल। ये समझ में आ गया कैसे आया 6? Yes, sir. है ना, इस तरह से वो लाइनें पूछता है, तो आपको ये डायग्राम रट लेना अच्छे तरीके से, ताकि आपको जब भी लाइनें बतानी पड़े तो यहाँ से सीधा काउंट कर सकते, बहुत आसान है इसको बनाना, इसका एक फॉर्मूला भी है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इन लाइनों को रट लो, ये थ्योरी आनी चाहिए। हाँ रचना बेटा बोलो। सर वो 6 लाइन कैसे आई? टोटल देखो हमने 6 लाइनें गिन ली, ये देखो आठवें से, सातवें से, छठे से, दूसरे में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन है टोटल। क्लियर है? यस सर। इसी तरह से कोई भी लाइन आप गिन सकते हो, पास्टन सीरीज में कितनी लाइन होंगी, अगर आठवें से वो नीचे थर्ड लेवल पर आ रहा है, अगर आठवें से फोर्थ पर जा रहा है, आठवें से तीसरे पर फिफ्थ पर आ रहा है, तो 3 ही लाइनें होंगी, तो ये लाइनें आपको निकालना आना चाहिए, मतलब ये अगर डायग्राम बनाना आता तो लाइनें निकल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इसलिए
जब हम किसी एटम को गर्म करते हैं बहुत सारी लाइनें आती हैं, बहुत सारी लाइनों का मतलब बहुत सारी रेडिएशन आती हैं अलग अलग लेवल पर, किसी भी लेवल पर हो सकती है, मिक्सिंग आती है रेडिएशन की, उन सबके स्पेक्ट्रा को नोट किया जाता है, फिर उसका ग्राफ बनाया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर में सेव किया जाता है। एक एटम के लिए इतनी मेहनत होती है और उसके बाद में फिर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है हमारे पास, फिर तो हमें कॉपी पेस्ट करना है डाटा। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, अगर आपको आधार कार्ड बनवाते हैं ना तो फिंगरप्रिंट लगाते ही हमारा नाम वाम सब आ जाता है ना, क्योंकि हमने वो डाटा सेव कर रखा है कंप्यूटर में, कंप्यूटर अपने आप मैच कर लेता है। इसी तरह से हमने एटम्स की ये जो लाइनें हैं, ये जो एनर्जी उसने वापस छोड़ी है, इसको हम नोट कर लेते हैं और इसी से फिर क्या होता है, क्लियर है, उसको मैच किया जाता है। यस बेटा समझ में आ गया? तो फिंगरप्रिंट रखते ही मतलब वो लाइन वाला ग्राफ किसी भी एटम का रख दिया आपके सामने तो एटम का मीनिंग आ जाएगा कि कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है चलिए अब आगे करते हैं। अभी बोहर मॉडल ऑफ एटम है या बोहर मॉडल, चलो बोहर मॉडल कल करेंगे, सिर्फ ये लाइनों वाला ही है, इतना ही करते हैं ठीक है, क्योंकि वरना फिर बोहर मॉडल पे टाइम लगेगा। कल बोहर मॉडल करते हैं, बोहर मॉडल के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे फिर ठीक है। तो ये अब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और रेडबर्ग फॉर्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने हैं। क्लियर है सबको? ठीक है यस ठीक है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद किसी को यहाँ डाउट है तो बोलिए।